हम लोग पढ़ रहे थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ इनवेरियंस. पर लॉ इनवेरियंस के अंदर दो टॉपिक पढ़ना था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वही चल रहा था, वही पढ़ाती हूँ. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. क्या था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? सभी फ्रेम्स के अंदर जो पार्टिकल का मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, ये आपको डिस्क्राइब करना था. देखिए हमने क्या किया था, दो फ्रेम लिए थे, एक था आपका एस फ्रेम और दूसरा फ्रेम लिया था हमने एस डैश फ्रेम. एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई जेड, ये ओरिजिन था. दूसरा लिया था हमने एस डैश फ्रेम, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये आपका, ये तो आपका एस डैश फ्रेम है, ये आपका एस फ्रेम है. अब मैंने बताया था जब आपको मोमेंटम कंजर्व करना है तो सबसे अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं हम कोलिजन. कोलिजन के अंदर जो लीनियर मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है. अब कोलिजन अपन लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, कोलिजन करवाना था मैं दो पार्टिकल्स के बीच में, मिनिमम दो चाहिए कोलिजन करवाने के लिए. तो मैंने दो पार्टिकल माने थे, कल मैं इतना बनवा गई थी डायग्राम, मैंने दो पार्टिकल लिए ए बी, ए बी, ये दो पार्टिकल थे. ये बात, इसका वेलोसिटी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, दो फ्रेम है, दोनों फ्रेमों से ये कोलिजन देखा जा रहा है, पहले इस फ्रेम से देखा जाता है फिर इस फ्रेम से देखा जाता है, और ये कहीं पर बहुत दूर जाके कहीं पर कोलिजन हो रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में. पहले मैं एस फ्रेम से देख रही हूँ कोलिजन होते हुए, जब मैंने एस फ्रेम से कोलिजन ए और बी के बीच में देखा तो मैंने ये देखा कि जब एस फ्रेम से देखा जाता है तो ए फ्रेम की वेलोसिटी यू वन होती है, बी फ्रेम की वेलोसिटी यू टू होती है, और ये तो कंडीशन है आपकी बिफोर कोलिजन की, मतलब कोलिजन होने से पहले, बिफोर कोलिजन की, और ये कंडीशन है आफ्टर कोलिजन की, कोलिजन होने के बाद भी, ये आफ्टर कोलिजन की है. बिफोर कोलिजन में एस फ्रेम से पहले एक जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी यू वन है, बी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी यू टू है. आफ्टर कोलिजन एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, आफ्टर कोलिजन ए पार्टिकल की वेलोसिटी वी वन हो जाती है और बी पार्टिकल की वेलोसिटी वी टू हो जाती है, और मास ए पार्टिकल का एम वन है बी पार्टिकल का एम टू है, और जैसे कोलिजन होता है मास में कोई चेंज नहीं होता है, मास वही रहता है इसका एम वन और इसका एम टू, लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ जाता है यू वन यू टू और वी वन वी टू. ये तो कंडीशन लिखी मैंने एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में. अब लिख रही हूँ मैं एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में. जब मैं एस डैश फ्रेम से पार्टिकल्स को देखती हूँ, एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में ए पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो होती है यू वन डैश, एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में बी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो होती है यू टू डैश, आफ्टर कोलिजन एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी वन डैश और इसकी हो जाती है वी टू डैश. ये आपकी पार्टिकल ऑफ की वेलोसिटीज है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में और एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में. ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है और वो आफ्टर कोलिजन की कंडीशन. अब करते हैं स्टार्ट आर्टिकल. स्क्रीनशॉट लीजिए पहले डायग्राम का. ये कोलिजन हो रहा है ए और बी के अंदर, कोलिजन के बाद कंडीशन ये हो गई. कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में यू वन यू टू थी, और कोलिजन के बाद एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वी वन वी टू है. कोलिजन आप बिफोर कोलिजन एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी यू वन डैश यू टू डैश है, आफ्टर कोलिजन एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी वी वन डैश वी टू डैश है. और हमें पता है जब कोलिजन होता है तब मोमेंटम क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है. अब आते हैं स्टार्ट करते हैं. देखिए एस डैश एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम.
एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम एम वी, तो ए के लिए और बी के लिए आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन क्या रहता है, बराबर रहता है, यही तो कंजर्वेशन कहलाता है। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम हो वो क्या रहे, कंजर्व रहे, वही आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है। मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाल रही हूँ एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो बिफोर कोलिजन अगर लीनियर मोमेंटम निकालना है तो बिफोर कोलिजन बराबर किसके आएगा, आफ्टर कोलिजन के। मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर रहता है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन के बराबर है। बिफोर कोलिजन मोमेंटम देखते हैं एस फ्रेम के लिए, दिख नहीं रहा, अब देखिए ये बिफोर कोलिजन है या आफ्टर कोलिजन है। बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या है, बिफोर कोलिजन कहाँ है, ये री कंडीशन। बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, तो पार्टिकल ए का मास कितना है m1, पार्टिकल ए का वेलोसिटी कितनी है वी u1, तो मतलब टोटल मोमेंटम कितना हो गया ए पार्टिकल के लिए m1 u1। बिफोर कोलिजन की बात कर रही हूँ, m1 u1, ये तो मोमेंटम है आपका ए पार्टिकल का, प्लस बिफोर कोलिजन बी पार्टिकल का मोमेंटम, बी पार्टिकल का कितना है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में एम टू, और एस फ्रेम के लिए वेलोसिटी कितनी है बिफोर कोलिजन यू टू, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया बिफोर बिफोर कोलिजन एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू। अब आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं, आफ्टर कोलिजन के लिए आफ्टर कोलिजन देखिए ए पार्टिकल का मास कितना है एम वन, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है वी वन, तो एम वन वी वन प्लस बी पार्टिकल के लिए मास एम टू, वेलोसिटी वी टू, तो एम टू वी टू, तो टोटल आफ्टर कोलिजन कितना हो गया एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर रहता है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है आपकी, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं ये रफ कर रही हूं। आ गया ये मैंने लगाया है लीनियर मोमेंटम, वेक्टर साइन लगा लीजिए, ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब मुझे क्या करना है, ये तो मैं लेके चल रही हूं एस फ्रेम के लिए लीनियर मोमेंटम, ये क्योंकि इस पर U1, U2, V1, V2 वी टू डैश नहीं लग रहा है, तो मतलब ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व है कौन से फ्रेम के अंदर, S फ्रेम के अंदर। अब मुझे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके लाना है किस फ्रेम के अंदर, S डैश फ्रेम के अंदर, मतलब अब मुझे जो S फ्रेम के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है उसको कन्वर्ट करके लाना है, ट्रांसफॉर्म करके लाना है S डैश फ्रेम के अंदर। अब मुझे जो इक्वेशन निकाल के लानी है वो लानी है एम वन यू वन डैश, एम टू यू टू डैश, एम वन वी वन डैश और एम टू वी टू डैश, ये वाली इक्वेशन आपको कन्वर्ट करनी है एस डैश फ्रेम के लिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं अब देखो जरा, कल हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, क्या था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी, ये किस में कन्वर्ट करना है, वेलोसिटी को, एस फ्रेम की वेलोसिटी को एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। तो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, आपको कन्वर्ट करके लाना है यू वन यू टू वी वन वी टू को यू वन डैश यू टू डैश वी वन वी टू डैश में, तो मतलब आपको कन्वर्ट किसको करना है, वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है। जब वेलोसिटी को कन्वर्ट कर रहे हो तो मतलब इक्वेशन जो लोगे वो कौन सी लोगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपको वेलोसिटी को एस फ्रेम की वेलोसिटी को एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है। अगर एस फ्रेम की वेलोसिटी एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी में कन्वर्ट होती है तो हम लगाएंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पोजीशन कन्वर्ट करते हैं तो पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन,
वेलोसिटी कर रहे हैं तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और एस्केलेशन करते हैं तो एस्केलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इस इक्वेशन में आपको क्या दिख रही है, केवल वेलोसिटी। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की केवल वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाली इक्वेशन लिखती हूँ यहाँ पर। क्या थी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन, कल आपने निकाली थी, वी डैश इक्वल्स टू वी माइनस स्मॉल वी, ये आपने निकाली थी, तीनों पर वेक्टर साइन था, ये कल निकाल चुके। ये वाली वेलोसिटी जो थी वो एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी, एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल पी की वेलोसिटी थी। ये वाली वेलोसिटी पार्टिकल पी की वेलोसिटी थी विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और ये वाली वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है, वाली लास्ट वाली, ये एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। तीनों में कल बता चुकी थी क्लास के अंदर, वी डैश कौन सी वेलोसिटी है, पार्टिकल पी की वेलोसिटी थी विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम, वी जो थी वो पार्टिकल पी की वेलोसिटी थी विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और स्मॉल वी जो थी वो एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी थी विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अब मुझे कन्वर्ट करनी है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैं इनमें यूज करूंगी। चलो आ जाओ, ये डैश वाली है, पहले मैं डैश वाली वेलोसिटी, पहली कौन सी है डैश वाली, यू वन डैश, फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूँ यू वन डैश, ये डैश वाली है तो डैश वाली यहाँ लिखी, इक्वल टू ये बिना डैश वाली है, बिना डैश वाली अगर यहाँ पर ए पार्ट, ए वाली के लिए बात कर रहे हैं, बी की बात नहीं कर रही हूँ अभी, केवल ए पार्टिकल के लिए मैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन लिख रही हूँ। ए पार्टिकल के लिए एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी है यू वन डैश, एस फ्रेम में जो वेलोसिटी है वो कितनी है ए पार्टिकल के लिए, यू वन, यू वन माइनस स्मॉल वी, तो फ्रेम की वेलोसिटी है वो हमने वी ले ली, ये तो पार्टिकल बी की वेलोसिटी की बात हो गई। अब पार्टिकल, ये पार्टिकल ए की वेलोसिटी की है, ये अब मैं पार्टिकल बी की वेलोसिटी निकाल रही हूँ, बी की कितनी है यू टू डैश, डैश वाले के अंदर यू टू डैश इक्वल टू एस फ्रेम के लिए कितनी है यू टू माइनस वी। ये दोनों वेलोसिटीज जो निकली हैं वो निकली है बिफोर कोलिजन की, बिफोर कोलिजन की, क्योंकि u1 डैश और u2 डैश जो है वो बिफोर कोलिजन पार्ट s डैश फ्रेम की वेलोसिटी है, और ये तो पार्टिकल एक ही है और ये निकली है पार्टिकल b की। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, अभी और आगे करना है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। आ जाओ इधर, पार्टिकल ए की बिफोर कोलिजन यू वन डैश, पार्टिकल बी की बिफोर कोलिजन यू टू डैश, अब मैं आफ्टर कोलिजन की बात कर रही हूँ पार्टिकल ए की। चलो पार्टिकल ए की पहले वी डैश, डैश मतलब आफ्टर कोलिजन की बात कर रही हूँ, आफ्टर कोलिजन डैश वाली वेलोसिटी कौन सी है वी वन डैश पार्टिकल ए की। देखो अब डायग्राम, यहाँ पर आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है, पहले बिफोर कोलिजन की हुई, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है वी वन डैश, पहले यू वन डैश यू टू डैश आ गया, अब लेके चल रहे हैं अपन वी वन डैश, पार्टिकल ए के लिए इक्वल टू वी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कितनी है वी वन, एस डैश फ्रेम के लिए वी वन डैश, एस फ्रेम के लिए वी वन माइनस फ्रेम की तो कॉन्स्टेंट ही है स्मॉल वी। अब ये पार्टिकल ए की हो गई, अब पार्टिकल बी की लिख दो आफ्टर कोलिजन के लिए, पार्टिकल बी की कितनी है वी टू डैश, वी टू माइनस वी, ये आपकी चार इक्वेशन आ गई आफ्टर कोलिजन, एक दो तीन चार, दो पार्टिकल ए की आई है, दो पार्टिकल बी की आई है। अब इन चारों वेलोसिटीज को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, करते हैं, ये मिटा रही हूं मैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ
किस किस की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, u1 की, u2 की, v1 की और v2 की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1, u2, v1, v2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसमें रख रही हूँ इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है आपकी, ये रही m1 u1, m2 u2, m1 v1, m2 v2। अब इसके अंदर u1, u2, v1, v2 की वेलोसिटीज रखती हूँ। आइए u1 कहाँ से रखेंगे, ये रही u1 डैश बराबर u1 माइनस v, तो u1 की वैल्यू कितनी आएगी u1 डैश प्लस v। फिर u2 की रखेंगे u2 कितनी निकलेगी u2 डैश प्लस v। फिर v1 की रखेंगे v1 कितनी निकलेगी v1 डैश प्लस v। फिर v2 की रखेंगे v2 डैश प्लस v। अब मैं इन चारों की इक्वेशन फर्स्ट में रखनी हूँ वैल्यू। आइए सबसे पहले m1, फिर है u1, u1 की वैल्यू देखिए कितनी है, u1 की वैल्यू निकालिए u1 डैश प्लस v, रख दीजिए इधर u1 डैश प्लस v प्लस m2, m2 में क्या है अब ये u2, u2 की वेलोसिटी यहाँ से देखिए u2 बराबर क्या आएगा u2 डैश प्लस v, रख दीजिए u2 डैश प्लस v इक्वल टू, फिर क्या है m1 v1, v1 की वेलोसिटी यहाँ से निकालिए v1 डैश प्लस v, m1 v1, v1 डैश प्लस v, m2 v2, v2 डैश प्लस v। ये आपकी चारों वेलोसिटी निकल गई। अब क्या करते हैं इनटू करते हैं, करिए m1 u1 डैश प्लस m1 v, m2 u2 डैश, m2 v, m1 v1 डैश, m1 v, m2 v2 डैश, m2 v। अब जो कट रहे हैं वो काटिए, m1 v और उधर भी m1 v कैंसिल, m1 v से m1 v कैंसिल, m2 v से m2 v कैंसिल, क्या बचा m1 u1 डैश m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश m2 v2 डैश। ये निकल गया आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये कौन से फ्रेम के लिए निकला है, एस डैश फ्रेम के लिए। लेके चले थे हम एस फ्रेम का और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया कि एस डैश फ्रेम के अंदर भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का रूल फॉलो होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए अब इसका। अब देखिए इससे क्या पता चलता है कि आप कितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लीजिए, एक लीजिए, दो लीजिए, तीन लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर फॉलो होता है। मैंने पहले के लिए लेके चली और दूसरे के लिए मैंने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। यही आपको प्रूव करना था। मैंने जो टॉपिक डलवाया था वो लॉ ऑफ इनवेरियंस डलवाया था। लॉ इनवेरियंस क्या था कि सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सारी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती हैं, भली वो मोमेंटम हो, भली वो वेलोसिटी हो, भली वो एस्केलरेशन हो। ये था लॉ ऑफ इनवेरियंस, सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सारी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेंगी। आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकाल लीजिए। मैंने प्रूव करा लीनियर मोमेंटम, मैंने एक के लिए निकाल लिया था, एक के लिए तो ये होता है। फिर मैंने दूसरे फ्रेम से निकाल के देखा, दूसरे फ्रेम में भी यही निकल के आया। अब मैं तीसरा लेके चलूंगी तो उसमें भी यही आएगा। तो प्रूव हो गया लॉ ऑफ इनवेरियंस कि जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या है, सेम। क्लियर? ये था लॉ ऑफ इनवेरियंस का पहला टॉपिक। अब लॉ ऑफ इनवेरियंस का दूसरा टॉपिक, रिजॉइन की बोल रही है शायद, कर दीजिए रिजॉइन। हाँ रिजॉइन करिए, रिजॉइन कर लेना।